नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी 29 एकेडमी के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 6 व 7 की हिंदी की कार्य पुस्तिका का कार्य पत्रक 8 हल करेंगे। तो इस कार्य पत्रक को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सबसे पहले हम देखेंगे दक्षता, क्रिया शब्दों की पहचान कर समझ विकसित कर पाना। तो इस कार्य पत्रक में हम क्रिया शब्दों की पहचान करना सीखेंगे और उसकी समझ विकसित करेंगे। तो पहला प्रश्न दिया है इसने, नीचे दिए गए शब्दों में अनुस्वार एवं अनुनासिक का चिन्ह लगाकर शब्द पूरा कीजिए। यहाँ पर हमें जो शब्द दे रखे हैं उनमें अनुस्वार लगाना है या अनुनासिक वो लगाकर हमें शब्द को पूरा करना है। तो क में इसने दिया है, तो इसको जब हम सही शब्द बनाएंगे तो चांद आ जाएगा, तो इसमें आएगी अनुनासिक, ये चांद शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार ख में बन जाएगा गांव, इसमें भी अनुनासिक आ गई, ये बनेगा कंधा, कंधा तो इसमें अनुस्वार आ जाएगी। अंधेरा, इसमें अनुस्वार आएगी, अंधेरा। इस प्रकार अनुस्वार व अनुनासिक का प्रयोग कर लेंगे हम। दूसरा प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों में से किन शब्दों में अनुनासिक लगेगा, उन्हें छांटकर अनुनासिक लगाकर लिखिए। यहाँ पर हमें उन शब्दों को छांटना है जिनकी ये जो अनुनासिक का चिन्ह है, चंद्र बिंदी का जो चिन्ह है वो लगेगा। तो क में पहला आ जाएगा सांप, इसमें अनुनासिक आएगा, और अंदर इसमें नहीं आएगा, दांव इसमें भी अनुनासिक आ जाएगा। इसी प्रकार ख में है छांव, चंदा। अब देखिए, अगर यहाँ पर चांद आता ना तो ये अनुनासिक आता, लेकिन यहाँ पर है चंदा तो उसमें अनुस्वार आएगा, ये हमें ध्यान रखना है, और चंचल उसमें भी नहीं आएगा, तो यहाँ पर ये क्या आएगा, छांव। तीसरा प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों में से किन शब्दों में अनुस्वार लगेगा, उन्हें छांटकर अनुस्वार लगाकर लिखिए। तो यहाँ पर हमें उन शब्दों को छांटना है जिनके अनुस्वार आएगी और आगे लिखना भी है उनको। पहला आ जाएगा तिरंगा, इसमें अनुस्वार लगेगी, कंचन इसमें भी अनुस्वार लगेगी, आंख में अनुनासिक आएगा, ख इसमें चंदन के अनुस्वार लगेगी, चंदन, और अलंकार इसमें भी अनुस्वार आ जाएगा। अब देखिए, हंसना है, ये जो हंसना शब्द है हंस शब्द से बना है, जो मुस्कुराने की जगह काम में लिया जाता है, उसमें अनुनासिक आता है न कि अनुस्वार, अनुस्वार हंस पक्षी जो होता है उसके लिए काम में आता है। चौथा प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। यहाँ पर हमें कुछ शब्द दे रखे हैं, उनमें से सही शब्द को चुनना है और खाली स्थान भरकर वाक्य को पूरा करना है। तो क में झंडे, झंडे में तीन रंग है, ख में गीता ने लाल रंग की फ्रॉक पहनी है, रंग, ग में तेज, तेज आंधी में मेरी पतंग फट गई, घ रीना के दांत मोती से चमक रहे हैं, इसमें आ जाएगा दांत, अनुनासिक वाला दांत। प्रश्न संख्या 5, उचित अनुस्वार अनुनासिक चिन्ह लगाकर वाक्य शुद्ध कीजिए। यहाँ पर हमें दिए गए प्रश्न में ही अनुस्वार या अनुनासिक लगाने, पानी में हंस, ये जो हंस है वो पक्षी है, को देख संगीता हंस पड़ी, ये मुस्कुराने वाला हंस है, ख अलकनंदा और भागीरथी के संगम से गंगा नदी बहती है। इस प्रकार हम अनुनासिक और अनुस्वार लगाते रहेंगे सही प्रकार से। ग में संदीप की आंख, संदीप की आंख में होली खेलते समय रंग गिर गया, ग सांप ने चिड़िया का अंडा, अनुस्वार आ जाएगा चुरा लिया। इस प्रकार हम इस कार्य पत्र को हल कर लेंगे। तो इस वीडियो में हमने कार्य पत्रक 8 को हल किया, अगले वीडियो में हम अगला कार्य पत्रक हल करेंगे। वीडियो अगर उपयोगी लगा तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।